कौन जॉइन हुए और कौन जॉइन हुए? मैं एक काम कर देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। कितनी गहरी और कौन कौन आया है ये? स्टार्ट कर देती हूँ मैं फिर। जल्दी जल्दी बताओ ना कौन कौन आ गया है। ओ माया केतकी है, सोना जी आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं, मैंने रुकने वाली आज किसी के लिए। अब ठीक है, अब देखो आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम अ रेस्ट। ये कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था, यज्ञेश का राइट आ गया था। ठीक है, कल ही उसने आंसर बता दिया था। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा। एक जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है विद ए कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट। पहले क्या हो रहा है, कार एक्सेलरेट कर रही है विद सम रेट अल्फा एंड देन उसके बाद में डी एक्सेलरेट कर रही है विथ कॉन्स्टेंट रेट जो है बीटा। ठीक है, टू कम रेस्ट, मतलब उसको रेस्ट में आने के लिए, मतलब उसकी जो फाइनली उसकी वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या निकालना है, द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर बाय अ कार इज गिवन बाय, आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी बाय अ कार कितनी होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको क्या ध्यान में आ रहा है, क्या करना है यहाँ पर आपके पास। अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले पहले जो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैंने उसको v माना तो v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस at होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब पहले क्या हो रहा है, पहले जो स्पीड है वो बढ़ रही है विद रेट अल्फा, तो आप और इनिशियली वेलोसिटी जो है वो जीरो थी, तो u जीरो हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा t। ठीक है, अब मैं इसको पहले मतलब फर्स्ट इसमें हो रहा है इसमें टाइम टी वन दे रही हूँ, बाद में अपन टाइम टी टू करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा t1। सिमिलरली वैसे ही सेकेंड केस में आपकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बाद में जो कार है वो क्या होने वाली है, रेस्ट पर होने वाली है, तो जीरो हो जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, और ये डीएक्सेलरेट कर रही है, डीएक्सेलरेट कर रही है विद अ रेट माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा t2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास v इक्वल्स टू क्या आया, बीटा t2।
टू, तो आपके पास वी दो आ गए, एक हो गया ये और एक ये, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, टी टू इक्वल्स टू वी बाय बीटा। और यहाँ पे मतलब फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा आपके पास टी वन इक्वल्स टू वी बाय अल्फा। अब आपको क्या पूछा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर बाय द कार इज गिवन बाय, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर बाय कार निकालनी है। तो इससे एक बात याद रखना कि पहले टी टाइम लगा था, बाद में और टी टाइम लगा था, तो टोटल टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू इज नथिंग बट टोटल टाइम टी, ठीक है, टी वन प्लस टी टू इज नथिंग बट योर टोटल टाइम टी। टी वन की वैल्यू क्या आई आपकी वी बाय अल्फा, टी टू की वैल्यू क्या आई वी बाय बीटा, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वी को ले लो कॉमन, तो वी को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा, बीटा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इंटू टी। तो आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अब आई थिंक ये पीछे जाएगा इसलिए नीचे लिखती हूँ, वेलोसिटी निकालनी है तो ये टी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये अल्फा बीटा आ गया ऊपर और नीचे आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी। आज कौन कौन आया है अभी तक, दो तीन ही लोग दिख रहे हैं, सोना जी, केतकी एंड ओम और ये धनश्री। केमिस्ट्री को लिख के छोड़ दो, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। दूसरी धनश्री क्या है, आज भी मैच देखना है क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्या जल्दी से बताओ एक बार, आप भी हो क्या नितिन, फिर बताना ना आप भी हो करके, ऐसे तो बहुत बातें करते। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें क्या है कि एक पर्सन है, अ पर्सन ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए अगर वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है विद सम वेलोसिटी वी वन, देन सेकंड हाफ टाइम के लिए उसने उसकी वेलोसिटी कर दी वी टू। अब फर्स्ट हाफ टाइम है और सेकंड हाफ टाइम है, तो मैं ऐसे मानती हूँ कि फर्स्ट हाफ टाइम के लिए मेरे पास टाइम जो है वो सेम है, ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो टी और टी दोनों भी टी और टी लेंगे, तो फर्स्ट हाफ टाइम के लिए मेरे पास टी है, वी वन उसकी वेलोसिटी हो जाएगी और एस वन उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एस वन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वी वन टी, क्योंकि आपके पास वी इक्वल्स टू क्या होता है s by t, displacement by time ना, तो आप इसे s1 equals to v1 into t लिख सकते हो। अब second half में time क्या है, t है, okay? और v2 उसकी velocity हो जाएगी, तो आपके पास displacement s2 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पास v2 t। अब आपको क्या बोला है, mean velocity, तो mean velocity कैसे निकालते हैं, मीन वेलोसिटी जो है आपको कैसे निकालनी है, मीन वेलोसिटी क्या होता है, टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, ठीक है, तो मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू एस वन प्लस एस टू, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टी प्लस टी, तो टी प्लस टी हो गया आपका टू टी, और एस वन की वैल्यू डाल दो वी वन टी प्लस यहाँ पे आ जाएगा वी टू टी, तो इसमें से वी वन वी टू में से टी कॉमन ले लो, तो टी कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, वी वन प्लस वी टू बाय टू टी, तो ये टी से टी गायब हो जाएगा, ये आपके पास मिलेगा वी वन प्लस वी टू, ठीक है, तो दिस इज वी वन प्लस वी टू बाय टू, तो ये है आपका मीन वेलोसिटी। एक बात याद रखना, मीन वेलोसिटी निकालना है तो मीन वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका एस वन और एस टू, तो एस वन प्लस एस टू कर दिया, टोटल टाइम कितना लगा, फर्स्ट हाफ में टी टाइम लगा, सेकेंड हाफ में भी टी टाइम लगा, तो ये टी की भी एडिशन हो जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही मैं अब, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पैसेंजर ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर अ हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वी वन, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखा आपने,
क्वेश्चन नंबर 13 वही हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो इसमें क्या है, 14 में क्या है कि अ पॉइंट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी। क्या नहीं समझा सोना जी ये वाला? अरे बाबा रिलेशन कौन सा लगाया, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो वाला रिलेशन लगाया ना, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और मीन वेलोसिटी निकालना है तो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और तो कुछ लगा नहीं है। अब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों हाफ है तो टी सेम होगा, पहले टी होगा बाद में भी टी होगा, टाइम मैंने टी टी लिया, आप टी बाय टू लेंगे क्या मीन्स। हाँ समझ गया ना। चलो अब नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जाएंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ पॉइंट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t1 t2 एंड t3 सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अरे बाबा s1 इज द डिस्प्लेसमेंट 1 एंड s2 इज द डिस्प्लेसमेंट 2 ना, तो ये v इधर गया, ये देखो v इक्वल्स टू s बाय t है तो s इक्वल्स टू v इंटू t होगा, तो फर्स्ट के लिए मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले वेलोसिटी v1 के लिए डिस्प्लेसमेंट s1 होगा, लेकिन टाइम t हुआ इसलिए s1 इक्वल्स टू v1 t हो गया। फर्स्ट सेकेंड जो अपन ने ये लिया है अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, अ पॉइंट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v1 v2 v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी इन t1 t2 एंड t3 सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट। अब देखो अगर आपके पास एक पॉइंट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है विद सम वेलोसिटी v1 v2 एंड v3 तो वो उसके एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है इन टाइम t1 t2 एंड हाँ समझ गया ना, अच्छी बात है, वेट सी भी आ गई। अब देखो t1 t2 एंड t3 सेकेंड के लिए आपको ये रिलेशन निकालना है तो इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान में देखो। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने u मान ली, ठीक है, इनिशियली सबकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, ओके। तो अब इनिशियली मेरी वेलोसिटी जो है u, u इज माई व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब आपके पास v1 इज द वेलोसिटी है, ओके, तो मैंने अगर v1 वेलोसिटी लिया है तो v1 क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, अपन ने कुछ भी नहीं ये वाला रिलेशन लिया है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v1 वेलोसिटी है और इनिशियली u थी आपकी वेलोसिटी प्लस योर ए टी का 1 ले लेंगे क्योंकि टाइम क्या लगाना है आपको, पहले 1 यूज करना है इसलिए t1। अब v2 वैसे ही सेम जो आपका v2 है वो क्या हो जाएगा, v2 के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी u है प्लस a, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, अब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 क्योंकि t1 पहला टाइम है, t2 पहला टाइम है, तो टाइम ऐड होगा ना इसलिए उसको ऐड किया। वैसे ही सेम v3 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3, तो दीज आर द वेलोसिटीज जो अपन ने लिखा, ओके। अब आपके पास जो रिलेशन है वो अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो इससे आपका एक रिलेशन है क्या, ऐसा आपको याद आता है क्या, देखो आपके पास जो है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे करते हो आप, फर्स्ट प्लस सेकेंड बाय 2 करते हो, तो वैसे ही क्या होगा, यू प्लस v1 बाय 2, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट के लिए u प्लस v1 बाय 2, लेकिन v1 की वैल्यू क्या है, u प्लस at1, तो ये होगा u प्लस at1 बाय 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 u प्लस at1 बाय 2। अगर मेरे को इसको डिनोमिनेटर का अगर मैंने सेपरेट कर लिया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो u प्लस हाफ at1, ये समझ में आया क्या। आपको क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज क्या करते हो, दोनों चीज़ों के एडिशन डिवाइड बाय 2 करते हो, तो इनिशियली u था बाद में v1 वेलोसिटी हुई, उन दोनों का एवरेज क्या होगा, u प्लस v1 बाय 2, तो दैट इज एवरेज। वैसे ही सेकेंड का एवरेज आपका निकलेगा, ठीक है। अब सेकेंड का जो एवरेज है वो कैसे निकलेगा, अब सेकेंड का एवरेज मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, ठीक है। अब देखो सेकेंड का एवरेज कैसे निकलेगा, फिर अब वी
अब वेलोसिटी वी वन से वी टू हुई, ठीक है, वी वन बाय वी वन प्लस वी टू बाय टू। तो वी वन जो है उसकी वैल्यूज आपके पास क्या है, मैं लिख लेती हूँ, यू प्लस ए टी वन है, ठीक है। वी टू की वैल्यू आपके पास क्या है, यू प्लस ए टी वन प्लस टी टू, ठीक है, ऐसा है, और अपॉन में क्या है आपके पास टू है, ओके। तो इससे इसका आंसर कैसा हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा, टू यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाय टू। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो क्या होगा, टू यू प्लस टू ए टी वन प्लस ए टी टू बाय टू। तो इसको अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या होगा, यू प्लस टू ए टी वन, अभी टू कैंसिल हो जाएगा ना, इस टू से इस टू को कैंसिल कर देंगे, प्लस ए टी टू बाय टू। समझ में आ रहा है क्या, और आज कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है। तो ये समझ में आया आपके पास क्या होगा, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाय टू, ठीक है। वैसे ही अगर आपने थर्ड निकाला तो थर्ड में क्या हो जाएगा, वी टू प्लस वी वन बाय टू। तो वी टू और वी वन की वैल्यू अगर डाल दी तो वी टू की वैल्यू क्या आएगी, यू प्लस ए टी वन प्लस टी टू, फिर आएगा वापस से प्लस यू प्लस ए, यहाँ पर आएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ठीक है, और अपॉन में आएगा इसके टू। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, कौन सी लास्ट स्टेप, ये डिनोमिनेटर सेपरेट करने वाली क्या, अरे मैंने क्या किया है इसको, ये देखो, ये ए को अंदर इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर यहां पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन फिर मैंने इसको AT1 को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में इस टू को डिनोमिनेटर है तो प्लस के वजह से तीनों के साथ अलग अलग डिनोमिनेटर कर सकते हैं, तो मैंने टू को अलग अलग दे दिया। हाँ, तो ये जो है ना टू को, इसको देखो, ये टू जो है ये सबको डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एडिशन होने की वजह से टू यू बाय टू प्लस टू बाय टू ए टी वन प्लस टू ए टी टू बाय टू। तो ये टू से टू कैंसिल हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी टू और टू था तो ये भी कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास क्या बचा, यू प्लस ए टी वन प्लस वन बाय टू ए टी टू, ये जो है वो बचा आपका, ठीक है। अब वैसे ही आपने थर्ड करना है, वी टू प्लस वी वन वी थ्री करना है, ठीक है, वी टू प्लस वी थ्री करना है और डिवाइड बाय टू करना है। जब आप ये करोगे तब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, वही आएगा यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस अब आ जाएगा आपके पास हाफ ए टी थ्री, ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा थर्ड के लिए। तो फर्स्ट का एवरेज निकला, सेकंड का एवरेज निकला, थर्ड का एवरेज निकला, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो वी वन माइनस वी टू निकालना है, देन वी टू माइनस वी थ्री निकालना है। तो ये जो है ना आपको वी वन माइनस वी टू और वी थ्री माइनस वी, ये वाला जो है ना ये एवरेज है, ये जो आपने निकाला ना वन के लिए वो एवरेज है, ये सेकेंड के लिए एवरेज है। तो ये आपके पास वन का एवरेज क्या है, यू प्लस हाफ ए टी वन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी वन माइनस वी टू पहले निकालना पड़ेगा। तो वी वन माइनस वी टू ये कौन सा आएगा, यू प्लस हाफ ए टी वन माइनस वी टू की जो वैल्यू है, वी टू की वैल्यू क्या है, यू प्लस ए टी वन। तो यहाँ पर आएगा यू प्लस ए टी वन प्लस हाफ ए टी टू, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो u में से अब ये माइनस है तो इधर सबको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u प्लस हाफ ए टी वन माइनस यू माइनस ए टी वन माइनस हाफ ए टी टू, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो ए टी वन हाफ है प्लस और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ए टी वन और ये होगा माइनस हाफ ए टी टू। तो इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस हाफ ए को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा टी वन माइनस टी टू। तो ये क्या आपका वी वन माइनस वी टू, देखो ये जो ऑप्शन में वी वन और वी टू है दैट इज नथिंग बट एवरेज, ये वाला जो है ना वो एवरेज वाला है, तो ये एवरेज आपको निकालना है, ठीक है। तो ये v1 माइनस v2 निकला, तो दिस इज योर v1 माइनस v2। वैसे ही आपको v2 माइनस v3 निकालना है, अब तो मैं यहाँ पर ही इसको इरेज करके ये निकाल रही हूँ, ठीक है, v2 माइनस v3। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला वो जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा ऐसे लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आप करोगे तब आपको जल्दी हो जाएगा। इतना कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसमें। तो अब यहाँ पर क्या है, वी टू माइनस वी थ्री, तो वी टू की वैल्यू आपके पास क्या थी, यू प्लस ए टी वन प्लस हाफ ए टी टू, ये वी टू की वैल्यू थी। माइनस योर वी थ्री, वी थ्री की वैल्यू क्या थी, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस हाफ ए टी थ्री, और ये ब्रैकेट को माइनस, तो ब्रैकेट को माइनस देने की वजह से सारे ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी वन प्लस हाफ ए टी टू माइनस यू माइनस ए टी वन, ये माइनस ए टी टू माइनस हाफ ए टी थ्री। तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल, अब क्या बचा, हाफ ए टी टू, हाफ ए टी टू में से माइनस ये गया तो क्या बचेगा, माइनस हाफ ए टी टू, और यहाँ पर बचा माइनस हाफ ए टी थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाला तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस आएगा। तो इसमें से अगर मैंने माइनस के साथ ये कॉमन निकाल दिया तो इसका मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस हाफ ए अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या होगा, टी टू प्लस टी थ्री। तो ये आपके पास आ गया वी टू माइनस वी थ्री, समझ में आया क्या, वी टू माइनस वी थ्री कैसे आया। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर है उसमें आपको क्या करना है, अब देखो ये जो फाइनल आंसर था ना आपके पास, ये वाला V1 माइनस V2 की वैल्यू जो है वो लिख देती हूँ यहाँ पे, V1 माइनस V2 जो एवरेज वाली आई है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस हाफ ए T1 प्लस T2, तो ये आई है माइनस हाफ ए T1 प्लस T2, ठीक है। और आपके जो V2 माइनस V3 है, V2 माइनस V3 है उसकी वैल्यू आई है हाफ ए माइनस हाफ ए T2 प्लस थ्री थ्री, क्या आया है T2 प्लस थ्री थ्री, ये आ गया टी टू प्लस टी थ्री, समझा क्या यहाँ तक। अब आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है वी वन माइनस वी टू डॉट डॉट, मतलब प्रोपोर्शन में वी टू माइनस वी थ्री, डॉट मीन्स डिवाइड में होता है, तो ये आएगा वी वन माइनस वी टू अपॉन वी टू माइनस V3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ ए, मैंने देखा नहीं कि मैं एक बार सॉल्व कर लेती हूँ, टी वन प्लस टी टू, और ये अपॉन में आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ ए टी टू प्लस टी थ्री, तो माइनस हाफ और ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया टी वन प्लस टी टू अपॉन में क्या आ जाएगा टी टू प्लस टी थ्री, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन कौन सा राइट है, टी वन प्लस टी टू, टी टू प्लस टी थ्री, नहीं केतकी ऑप्शन आपने कौन सा बोला, डी ऑप्शन नहीं आया, डी ऑप्शन नहीं आया है क्योंकि अगर मैंने कॉमन माइनस को निकाल दिया तो माइनस कॉमन निकलने की वजह से कैंसिल आउट होगा, और अगर माइनस नहीं भी कॉमन निकाला तो भी डी आंसर नहीं आता, आंसर जो है वो बी राइट है, सो राइट राइट है आपका। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, ये वाला समझ में आया। आज यज्ञेश गायब है, पार्थ गायब है, रोहन गायब है, मैच देख रहे कह रहे आज, किसकी मैच है ये आज, धनश्री भी बोली मैं आती हूँ क्या, कल भूल गए बोले मिस मैच थी इसलिए, आज भी मैच है क्या। हाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन समझ में आ रहे, क्वेश्चन समझ में आ रहे क्या, बाहर भी आ गया क्या, चलो मेरे को पता नहीं चला ना, आपने कुछ भी मैसेज नहीं किया तो आप आए ही नहीं आए। अब देखो लास्ट में सॉरी 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक बस है जिसका जो एक्सेलरेशन है, बस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बस, यहाँ पर अपन लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बस जो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक साइक्लिस्ट है जो 96 मीटर द बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या,
क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक बस है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और एक साइकिल है जो 96 मीटर सेपरेशन पे है, उसके डिस्टेंस पे कितना है सेपरेशन 96 मीटर का। तो रिलेटिव, अब ये रिलेटिव कैसा है वो बाद में बताती हूँ, थोड़ा पहले ये एक्सप्लेन करूंगी। रिलेटिव जो आपका सेपरेशन है यहाँ पर, सेपरेशन रिलेटिव सेपरेशन जो है वो क्या है 96 मीटर। पहले मैं बाकी सब बताती हूँ फिर रिलेटिव पे जाऊंगी। ओके, तो बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बाद में जो है बस स्टार्ट हुई विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बस हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल क्या थी, पहले 0 थी, देन वेलोसिटी ऑफ द साइकिल ना, वेलोसिटी ऑफ द साइकिल इज 20 मीटर एक सेकेंड। क्या हुआ, अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर बस साइकिल का जो है वो ये हो गया, यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन ये हुआ है कि रिलेटिव सेपरेशन, अगर एक बस है जो आगे जा रही है और उसके पीछे पीछे साइक्लिस्ट जा रहा है, तो साइक्लिस्ट और उस बस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 96 मीटर। रिलेटिव इसलिए बोला है क्योंकि साइक्लिस्ट एंड बस बोथ आर इन द मोशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। अब एक्सेलरेशन ऑफ द बस का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, बाद में उस साइक्लिस्ट ने उसकी साइकिल को स्टार्ट किया तो वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट जो है वो मेरे को क्या मिली 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बस जो है वो क्या है 0 है, क्योंकि आफ्टर व्हाट टाइम विल बी ही एबल टू ओवरटेक द बस, और आपको कितने टाइम के बाद में उस बस को ओवरटेक करने को मिलेगा ये भी निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बस स्टार्टिंग में 0 थी, ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ द साइकिल आपकी 20 है, एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ जो साइकिल है वो क्या है 0 है। साक्षी भी आ गई, तो यहाँ पर समझा क्या आपके पास क्या क्या है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, दोनों निकालो। तो रिलेटिव वेलोसिटी अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वी ऑफ सी माइनस वी ऑफ बी करना पड़ेगा, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी में से आपको माइनस करना पड़ेगा बस के वेलोसिटी को। तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी 0 थी, बस की वेलोसिटी 20 है, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आया 20 माइनस 0 क्या आ जाएगा 20। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी 20 होगी। वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल तो 0 था, बस का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो आपके पास आंसर क्या है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव सेपरेशन, तीनों चीज समझ में आई क्या? आंसर जो है आपका कुछ अलग आने वाला है। जल्दी से बताओ वाला जो जो प्रेजेंट है, नहीं तो मैं आगे जा रही हूँ। चलो फिर, तो अब देखो आपके पास जो अपना फॉर्मूला होता है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वही यूज करना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो कि है आपके पास 96, यू इज यूर, यू क्या है, यू वेलोसिटी जो कि कितनी है 20, टी पता नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -2, टी पता नहीं है इसलिए टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 20 टी, और ये माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस टी का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बताऊं, अरे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब रिलेटिवली, अगर सपोज एक कार है, सपोज एक ऐसी कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और एक साइकिल जो सपोज टू भी
जो सपोज टू भी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ठीक है, जो सपोज टू भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो इन दोनों के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कार और बाइसिकल है तो इन दोनों के लिए रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। कार वाले को लगेगा और बाइक वाले को ऐसा लगेगा कि कार जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगी। फाइनल आंसर के लिए एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मेरे को लगा आप रिलेटिव वेलोसिटी का पूछ रहे, मैं वो एक्सप्लेन करते बैठी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वही यूज करना है। अब देखो इसको आपको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्न करना है। अब इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20t + 96 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 96 के ऐसे फैक्टर्स देखो कि प्लस माइनस 20 आनी चाहिए, तो 12 8 96, तो -12 -8 लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस की एडिशन -20 हो जाएगी। तो टी माइनस 8 एंड टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8, और टी इक्वल्स टू 12। तो देखो आपको दोनों ऑप्शन दिए वाले हैं, 8 सेकेंड भी गिवन है, 8 सेकेंड भी गिवन है, और सिक्स ट्वेल्व सी में आपका जो 12 सेकेंड है वो भी गिवन है, लेकिन आपको आंसर तो कोई एक ही चूज करना है ना। तो याद रखो कि बस को ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक पहले ही हो जाएगा। अगर 8 सेकेंड में ओवरटेक हो गया तो बाद में फिर से ओवरटेक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करके आना है, ओवरटेकिंग है, तो अगर ओवरटेकिंग है तो आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आना है। समझ में आया क्या? क्योंकि एक ही बार मतलब पहले ओवरटेक हो जाएगा तो बाद में फिर से 12 सेकंड में ओवरटेक का कोई ये नहीं आता है ना। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ओवरटेक कहाँ कब हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी में से ओवरटेक कब हो सकती है, 8 सेकंड में, पहले ही ओवरटेक होगा ना। समझ में आया कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ ए कार इज यू, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप इज एस। अगर आपके पास स्पीड ऑफ कार, एक कार है जिसकी स्पीड समथिंग यू है, मैं थोड़ा सा ड्राइंग टीचर बन जाते अभी ड्राइंग निकाल लेते लेकिन अच्छी नहीं आ रही है। अब ये मेरी कार है, ठीक है, इसकी स्पीड सपोज टू बी वी है, यू है, कुछ भी वो दिख नहीं रहा है, वी पकड़ लेते, ठीक है। अब ये अगर इसकी कार की वेलोसिटी जो है वी है, तो इसने अगर एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, इसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, इफ द स्पीड बिकम्स एन यू, फिर क्या हुआ कि इस कार की जो स्पीड है, अरे यार छक्के किधर गए इसके, अब इस कार की जो स्पीड है वो क्या हो गई, एन यू, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस, अगर मैं एस डैश बोल देती हूँ तो ये जो एस डैश है वो कितना मिनिमम डिस्टेंस लगेगा उसको स्टॉप होने के लिए, फाइनली उसको स्टॉप होना है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोले रहा है, क्या बोले वाला है, इट कैन बी स्टॉप, मतलब ये स्टॉप कब हो सकती है, एस डिस्टेंस पे, और बाद में उसकी वेलोसिटी को अपन ने बढ़ा दिया, एन इंटू वी कर दिया, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो ऐसे मत कर देना एस को मल्टीप्लाई बाय एन, तो एन टाइम्स बढ़ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। समझ में आया क्वेश्चन, अपन आंसर निकाले, अब इसका इसका आंसर निकाले क्या, चलो जल्दी से बताओ यार, बताते नहीं तुम लोग, ऐसे मत करा करो, आज तो मैं पहले बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, सिर्फ आज बात ही की हम आएंगे, मिस आज कब है, कितने बजे हैं, क्या है। अब आपको निकालना है कि कितने टाइम के बाद में वो गाड़ी बंद होगी, तो उसके लिए आपको स्पीड ऑफ द कार यू अगर मैंने माना, तो मेरे पास जो ये है वो क्या होगा, फॉर्मूला 2as = v² - u² फॉर्मूला पता है आपको, काइनेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, 2as = v² - u² है। अगर मेरा v = 0 है क्योंकि कार को क्या होना है, स्टॉप ही होना है, तो v इक्वल्स टू अगर मेरा 0 हो गया तो 2as = क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर,
माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी वो बंद हो रही है तो माइनस आएगा, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि वो स्लो डाउन होके बंद हो रही है, तो दैट इंडिकेटिंग माइनस, ठीक है। तो टू ए एस इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए, एस निकला आपका माइनस। अगर अब मैंने इनिशियल वेलोसिटी को एन टाइम्स बढ़ा दिया, अब मैंने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी को एन टाइम्स बढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी को एन से मल्टीप्लाई किया ना, तो एन टाइम्स अगर मैंने बढ़ा दिया है तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास वो वाला फॉर्मूला है, काइनेमेटिक इक्वेशन ही यूज कर रहे हैं अपन इसमें, काइनेमेटिक इक्वेशन का वो वाला फॉर्मूला है कि आपके पास टू ए एस वाला, टू ए एस वाला फॉर्मूला कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, वही जो अभी अपन ने यूज किया है, यही उसको ही यूज करना है। तो आपके पास मैं अगर सपोज मानती हूँ कि एस डैश है, तो एस डैश क्या हो जाएगा, एस डैश इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए होगा। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि वी मेरी क्या है, क्योंकि फाइनली उसको जाकर रुकना ही है, तो वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एस डैश इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब ये देखो यू फॉर दिस, दिस के लिए यू क्या है, एन ऑफ वी, तो यहाँ पर मैंने ऐसे डाल दिया माइनस एन वी का स्क्वायर है, इसलिए एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू ए, एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू ए। अब एक्सेलरेशन को और मैं क्या डाल सकती हूँ, देखो ये वाला जो मेरा एस आया ना, उससे एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, देखो अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू एस, लिख सकती हूँ क्या, यू स्क्वायर माइनस टू एस, तो ये लिख सकती हूँ माइनस यू स्क्वायर बाय टू एस। तो मैंने क्या किया, इस एक्सेलरेशन में वो वैल्यू डाल दी, तो ये एक्सेलरेशन में अगर मैंने वो वैल्यू डाली तो क्या होगा फाइनल आंसर, माइनस एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू, और ए की वैल्यू मेरे को डालना है माइनस यू स्क्वायर बाय टू एस, तो माइनस माइनस ये तो पहले प्लस हो जाएंगे, ये आपके पास ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, यस यस जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो ये एस हो जाएगा, ये एन स्क्वायर, ये यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, एस एन का स्क्वायर, तो एस एन स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर एस, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझे क्या, 16 क्वेश्चन हो गए थे, समझ में आए क्या, 16 क्वेश्चन हो गए अपने, 16 आगे लू। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू एंड्स ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पास अ सर्टेन पॉइंट विद अ वेलोसिटी यू एंड वी। अगर एक ट्रेन है, टू एंड्स है, ट्रेन के दो एंड्स हैं जो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहे हैं, और वो वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो पहले उसकी जो वेलोसिटी सपोज यू थी, बाद में वी हो गई, देन द वेलोसिटी विथ विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सेम पॉइंट इज। अगर देखो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर अब ट्रेन ड्रॉ करूँ, चलो ट्रेन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरे पास ट्रेन के डब्बे है, दिस इज माई ट्रेन, ड्रॉइंग बहुत ज़्यादा खराब है मेरी, तो ये मेरे डब्बे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये ट्रेन है जो कि एक्सेलरेशन में है, ये दिस ट्रेन इज इन एक्सेलरेशन, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है ए। अब इस ट्रेन ने क्या किया है, इस ट्रेन ने इस पॉइंट को, सपोज मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया मेरा ये वाला, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट को पहले जो मेरा फर्स्ट डब्बा है उसने पार किया विथ अ वेलोसिटी वी, विथ अ सॉरी यू दिया है ना, तो स्मॉल यू वेलोसिटी से, और ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला डब्बा है उसने क्या किया, इसको इसको यहाँ से कट मारा, मतलब इससे यहाँ से रेफरेंस पॉइंट को टच किया है विथ वेलोसिटी कैपिटल वी, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर सपोज इन इसका ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को यहाँ पर जाने के लिए कितनी वेलोसिटी लगेगी, समझ में आ रहा है क्या। पहले तो वो पेंटा बहुत दिनों से चला है, तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है, समझेगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, समझ लगा तुम्हारा? समझा होगा तो अपन आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, वही वो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बस उस फॉर्मूला को इधर से उधर खींच तान के वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो आपके पास टू ए एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। क्या नहीं समझा? वैसे ही जब ट्रेन ने वेलोसिटी चेंज की, तो चेंजिंग वेलोसिटी अगर मैंने वी डैश बोली, तो वी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आधा समझा आधा नहीं समझा, क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस बाय टू। ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मिड पॉइंट को आपको लगाना है ना, मिड पॉइंट वहां पे जाना चाहिए। तो अगर एस पूरे ट्रेन का है, तो मिड पॉइंट के लिए एस बाय टू लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट के लिए आपको एस बाय टू लेना पड़ेगा। सोना जी एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या है, द टू एंड्स ऑफ द ट्रेन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन। दो एंड है ट्रेन के जो कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, पासेस अ सर्टन पॉइंट विद अ वेलोसिटी यू एंड कैपिटल वी। एक पॉइंट है जिसको उन्होंने पास किया, जहां से वो गुजरे हैं विद अ वेलोसिटी, मतलब पहला जो डब्बा है, अगर फर्स्ट बोगी है ट्रेन की, पहली बोगी पहला डब्बा यू वेलोसिटी से एक पॉइंट को पास करता है, तो लास्ट वाला जो डब्बा है अब एक्सेलरेशन में है ना, तो अब देखो पहला डब्बा चला जाएगा वहां से यू वेलोसिटी से, लेकिन जब दूसरा डब्बा वहां तक पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रही है। तो जब वो लास्ट वाला डब्बा वहां पे पहुंचा, तब उसकी वेलोसिटी वी थी, कैपिटल वी थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर ट्रेन के बीच वाला पॉइंट जब वहां से पास होगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ट्रेन जैसे जैसे पास हो रही है, वो एक्सेलरेटर में है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। सपोज ये पेन है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट है, और यहाँ से इसे सपोज मेरी ये जो फिंगर है, ये फर्स्ट बोगी पकड़ो, और ये मेरा जो सपोज ये दिख रहा है क्या, अब ये जो है सपोज मेरे पाम का एंड, ये लास्ट वाली बोगी समझो, अब ये ऐसे एक्सेलरेट हो रही है, तो फर्स्ट बोगी जब इसको क्रॉस किया तब वी यू वेलोसिटी थी, एंड जो लास्ट बोगी क्रॉस की तब कैपिटल वी वेलोसिटी थी, लेकिन बीच में, यहाँ पर बीच में कहीं पर तो भी आएगा ना, तब एक्सेलरेट हो रही है तो वेलोसिटी चेंजिंग है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, तो यहाँ पर बीच में ये वाला बीच वाला मिड पॉइंट जब इसको क्रॉस करेगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन कितना सिंपल था, उसको समझाने के लिए इतना टाइम लगा दिया। अब वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन देती हूँ। अगर मैंने ऐसा बोला कि हाफ गया ना, तो एस बाय टू पूरा, अगर ट्रेन एस है तो एस बाय टू ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पर मेरे ए एस की जगह क्या डाल दिया, एस बाय टू, तो ये टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो वी डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आप स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए एस, समझ में आया क्या। अब ये जो ए एस है, वो फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकती हूँ क्या मैं, यहाँ पर टू ए एस इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर है, तो मैं ए एस इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। तो वही मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर जो है ए एस वहां पर डाल दिया, तो वी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल है ना, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर या फिर एलसीएम कुछ भी बोलो, तो इसको क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू। तो टू यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर क्या क्या बचा, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू, ये भी अंडर रूट में, तो आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू, अंडर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आया क्या?
बाकी के कहाँ गायब हो गए? चार ही बचे, कौन कौन है? ध्यान दो फिर मैं पटपट पढ़ा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम अ रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट फॉर सम टाइम एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। अगर एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेट किया है रेस्ट पोजिशन से, उसने एक्सेलरेट स्टार्ट किया है और उसने कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन करने के बाद में एक वेलोसिटी को अटेन कर लिया जो कि है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, आफ्टरवर्ड इट डी एक्सेलरेट। देखो कोई गाड़ी है, सपोज एक पार्टिकल की जगह मैं गाड़ी पकड़ती हूँ, ठीक है। अब गाड़ी के इसमें, गाड़ी अगर जब स्टार्ट होगी तो उसने एक्सेलरेट किया और उसने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन कर दिया जो कि है मेरे 8 मीटर पर सेकेंड। फिर गाड़ी रुकाना है, तो गाड़ी रुकाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो वो डी एक्सेलरेट हो रही है विद अ कॉन्स्टेंट रेट, कहाँ पर? रुकाने के लिए, मतलब रेस्ट पर आने के लिए। तो इफ टोटल टाइम टेकन इज टी सेकेंड, अगर पूरा टाइम टी सेकेंड लगा है गाड़ी स्टार्ट होकर एक वेलोसिटी पर आने को और वेलोसिटी से वापस बंद होने को 4 सेकेंड लगा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? क्वेश्चन समझ लो का, क्वेश्चन ध्यान में आना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझा क्या? अब यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये कर सकते हैं क्या? यहाँ पर आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी कितनी आती है? 8। स्टार्टिंग में उसका इनिशियली कुछ भी था क्या? नहीं था, तो 0। एक्सेलरेशन कुछ तो भी कॉन्स्टेंट था, t1 टाइम में वो उसने क्या किया, अटेन कर लिया, ठीक है। तो रोहक अभी आए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए टी वन इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब ये कब था? ये एक्सेलरेशन के वक्त था। फिर डी एक्सेलरेशन होते वक्त क्या हुआ? डी एक्सेलरेशन के वक्त क्या हुआ? डी एक्सेलरेशन के वक्त वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, डी एक्सेलरेट हो रहा था तो फाइनली तो 0 हो गई ना, क्योंकि बाद में जाकर रुकी है, इनिशियली क्या थी, 8 थी। डी एक्सेलरेट कब होगा? 8 पर आएंगे फिर डी एक्सेलरेट होगा, तो 8 था प्लस ए, और टाइम कितना लगा, सपोज टू बी t2, तो ए t2 की वैल्यू आपके पास फिर से क्या आई, ए t2 की वैल्यू क्या आई, -8। ए t2 की वैल्यू क्या आई, -8। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर t2 है ना, पूरा टाइम अगर 4 सेकेंड लगा है तो t2 को आप क्या लिख सकते हो, t2 को क्या लिख सकते हो, t2 को आप ऐसे लिख सकते हो t-t1, t2 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, रोहक, तो t2 इक्वल्स टू t-t1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर t2 के जगह t-t1 डाला तो क्या होगा, a t-t1 इक्वल्स टू -8, ठीक है। अब देखो यहाँ से t1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, t1 इक्वल्स टू 8/a, तो मैंने वो वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, a t-t1 के जगह 8/a इक्वल्स टू -8, मिस टी गिवन है ना, कहाँ टी गिवन है, टी कौन सा गिवन है, 4, टी फाइनल 4 वो डाल रहे हूँ ना, मैं डाल रही हूँ, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 4-8, a इक्वल्स टू -8। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, a इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a-8a/a इक्वल्स टू -8, तो ये a से a कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में क्या बचा, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 4a-8 इक्वल्स टू -8, ये -8 इधर आया तो +8, कुछ तो भी माइनस प्लस में गड़बड़ हुई क्या, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, इसको ध्यान में आई गड़बड़, प्लस माइनस की कुछ तो गड़बड़ हुई है। a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4 नहीं है,
इक्वल्स टू 4 नहीं है सोना जी। देखो जान लो मैं इस बताती हूँ। अब टी टू को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मेरा टाइम टी है वो 4 सेकेंड है, तो मैं टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी वन प्लस टी टू, तो टी टू इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ टी माइनस टी वन, जो कि है मेरा 4 माइनस टी वन। लेकिन मेरे पास टी वन जो है वो क्या आया है 8/8, तो मैंने लिख दिया 4 माइनस 8/8, ठीक है। तो यहाँ पर वो वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पर 8 माइनस, अरे डीएक्सेलरेशन हो रहा है ना, वही तो बोली मैं माइनस में गड़बड़ की, डीएक्सेलरेशन हो रहा है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 8 माइनस ए, और यहाँ पर आएगा 4 माइनस 8/8। अब आ गया आंसर, अब कोई टेंशन नहीं, 8 माइनस 4a माइनस 8a/8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए से ए चला गया, तो 8 प्लस 8 क्या हो गया 16 माइनस 4a, ये हो गया 0, तो ये अब इधर ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4a इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू 16/4, तो आंसर क्या है आपका 4, एक्सेलरेशन जो है आंसर 4 है। हाँ एक्सेलरेशन मैं आपने टी लिखा गया, मेरे को कुछ अलग ही लिखा, एक्सेलरेशन 4 आ गया। एक्चुअली आपका आंसर आ रहा था माइनस का, गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि डीएक्सेलरेशन करते वक्त माइनस लेना पड़ता है, डीएक्सेलरेशन करते वक्त माइनस लेना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा मुझे पहले फिर आपको। हो गया 18 नंबर, 19 पे जाना है, चलो जल्दी जल्दी दो तीन लेना है और 19 पे जाए। अब 19 पे देखो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब देखो एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी गिवन है कि एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। सपोज मैं यहाँ पर, हाँ आपने तो सब बोला था सोना जी, हाँ मैं कुछ दिखा नहीं हो, मेरी गलती होगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक पार्टिकल है जिसकी एट इंस्टेंट जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट हो गई 20 मीटर पर सेकेंड में। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड इज, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या है, द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन, बिफोर फ्रॉम द इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट के पहले 3 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या हुई, जब उसकी वेलोसिटी 10 क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्या करना है, समझ में आया क्या इसमें, क्वेश्चन में क्या करना, समझ में आया क्या। देखो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 गिवन है, तो मैं इनिशियली v नहीं लिखती हूँ, उसको u लिखती हूँ। इनिशियली वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, आपके पास टाइम जो है वो क्या गिवन है 5 सेकेंड गिवन है, फाइनल उसकी वेलोसिटी जो हुई है वो 20 मीटर पर सेकेंड हुई है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो कि वो कितना एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो v की वैल्यू डाल तो क्या हुआ 20 इक्वल्स टू 10 प्लस a इंटू t क्या है आपका 5, ओके तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 मतलब 10 इक्वल्स टू a और ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो आया है वो आपका क्या आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड बिफोर निकालना है ना, तो मैंने ऐसे माना कि मेरा v1 इज माय फाइनल वेलोसिटी, v1 जो है वो मेरी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u1 इज माय इनिशियल वेलोसिटी एंड at, ठीक है, और a ऑफ t। अब देखो मेरे को v1 जो है वो मेरे को कितनी करना है फाइनली उसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 हो जाएगा, u1 मेरे को पता नहीं है जो मैंने u1 लिखा है, प्लस मेरा एक्सेलरेशन जो है वो 2 है इसलिए मैंने 2 डाल दिया, और मेरे को टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड के लिए निकालना है इसलिए मैंने उसमें 3 डाल दिया, ठीक है। तो 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल्स टू u1, दैट इज u1 इक्वल्स टू क्या आया मेरा, u1 इक्वल्स टू क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड। अब u1 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन कौन सा राइट है फिर, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन,
समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन? पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद में उसको टाइम टी को 3 डालकर वेलोसिटी 10 डालकर उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, जो जो कि आपको निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक बॉडी है, अगर एक आपके पास बॉडी है जो n सेकेंड और nth सेकेंड, ना दोनों में फर्क होता है, n सेकेंड एंड nth सेकेंड में दोनों में फर्क होता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है जो n सेकेंड में उसने कुछ तो भी डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर इसने n सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया है तो s ऑफ n जो है, s ऑफ n वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, s ऑफ n इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस ऑफ एन मतलब एन सेकेंड में, एन एच सेकेंड में नहीं, एन एच टाइम नहीं, एन सेकेंड में, ठीक है। तो एस अभी एस ही पकड़ो लगे तो उसको एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो एस है, अगर इनिशियली मैं यू को जीरो मानूँ, इनिशियली यू को जीरो मानूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ ए एन का स्क्वायर, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो क्या बोला है, एन। डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड और एन एच सेकेंड दोनों अलग है, ठीक है। तो ये एन सेकेंड के लिए ये हो जाएगा। फिर डिस्टेंस कवर इन एन एच सेकेंड मतलब मेरे को ऐसे, ये मैंने क्या के लिए निकाला, ये जो निकाला है वो एन सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकाला एन सेकेंड में। फिर एन एच सेकेंड में कितना कवर किया ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एस एन में से क्या करना पड़ेगा, एस एन माइनस वन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यूर हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। समझ में आया? बस आपको क्या करना है, फिर इन दोनों का रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन एन एच सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर इन एन सेकेंड, मतलब एन एच सेकेंड का एन सेकेंड से डिस्टेंस कवर निकालना है, रेशियो निकालना है। मीन्स आपको एस एन माइनस वन अपॉन एस एन करना है, तो इसको डिवाइड बाय एस एन कर लो, ये हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर हो गया। तो ये अगर हाफ ए एन स्क्वायर हो गया, तो इसको मैंने अगर क्या कर दिया, इसको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, हाफ ए एन स्क्वायर अपॉन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन ए एन का स्क्वायर और ये हाफ। तो इससे क्या होगा, हाफ ए एन स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा वन माइनस, ये होगा हाफ से हाफ कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरे पास एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, फिर इसको क्या करो, सॉल्व करो, ये होमवर्क दो, इसको आगे सॉल्व कर लोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे क्या, एन माइनस वन को होल स्क्वायर डाल दो वहां पे, इसको सॉल्व कर लोगे आगे, होमवर्क दे दू, ये होमवर्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क डाल दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है, अपार्ट ये 21 भी होमवर्क ले लो, बस हो गया आज के लिए क्वेश्चन, ये तो थोड़ा काम है, तो इतनी बस काफ़ी है आज के लिए, वैसे भी 1 आवर तो हो गया, काफ़ी है क्या। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कंप्लीट आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 21 का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप निकाल लो, सत्येंद्र प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट हाँ मेरे को चेक करने दो, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और 22 का भी ले लो, आपको 21 22 पूरा होमवर्क है, और एक जो है 20 वो आपको करना है, तो ये आप कर लेना इतना, ठीक है। मेरे को थोड़ा काम है तो उतना भी कंप्लीट करती हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा लेने हैं लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। एक तो पता है आपके कमेंट्स मेरे को लेट पहुँच रहे हैं ना, अगर ऐसे इंस्टेंट कमेंट रहे तो बहुत फास्ट होता है, मेरे को ऐसे रुक रुक के बताना पड़ रहा है कि समझा कि नहीं समझा। जब मैं आ जाऊँगी अगले क्वेश्चन पे और आप अटके रहेंगे पिछले क्वेश्चन पे, फिर ये लाइव लेने का फ़ायदा ही क्या होगा, लाइव लेने का फ़ायदा ही नहीं होगा ना ऐसे। और आज तो बहुत कम लोग है, यज्ञेश गायब है, और कल कौन था जो आज गायब है, नितिन भी बाद में गायब हो गया लगता, चलो फिर जाने दो, जो जो गायब है उनकी मर्जी। तो चलो नेक्स्ट कल देखेंगे बाकी के आगे के, आई थिंक इसमें बहुत सारे हैं,
तो अपन कुछ इसके देखेंगे कल, इसके ही अगले देखेंगे, आया 30-35 करेंगे, 35 तक करेंगे, पास पास करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, गुड नाइट एवरी।